स्वागत है आपका जानूस लंच डायरी में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अंडा दम बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट एकदम चिकन बिरयानी जैसा लगता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अंडा की बिरयानी खा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें मोटा मोटा जो सामान चाहिए उसकी मैं एक फहरिस्त दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 3 बड़े आलू जिनको काट लिया है, 4 अंडा और आधा किलो हरी मटर और 2 बड़े प्याज को स्लाइस कर लिया है और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है और इसमें डालने के लिए 2 बड़े चम्मच धनिया का पेस्ट है। यहाँ पे ये सूखी धनिया का पाउडर है और यहाँ मसाले आप ध्यान से देखिएगा। मैंने कश्मीरी मिर्च ली हुई है, थोड़ी सी लाल मिर्च ली हुई है अपने हिसाब से और गरम मसाला पाउडर लिया है। और ये जो मसाला देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा है, ये खुशबू के लिए मसाला है। इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची को मैंने पीस लिया है। और अब देख लेते हैं हमें चावल के लिए मसाला क्या चाहिए। इसके लिए कुछ खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, ज़ीरा है, सौंफ है, लौंग है, इलायची है और बड़ी इलायची है और 4 हरी मिर्च भी मैंने ली हुई हैं। इसको हम अपने पानी में डालेंगे जब पानी उबालेंगे चावलों के लिए। और चावल यहाँ पे लिए हुए हैं मैंने 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, बस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया हुआ है। इसमें हम सारे आलुओं को अपने फ्राई करेंगे, तेज़ आँच पर फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर एक सुनहरी परत आ जाए। और साथ ही में हम इसमें अंडे भी डाल देंगे। इन पे गोल्डन क्रस्ट आनी शुरू हो गई है। आप चाहे तो अंडा और ज़्यादा भून सकते हैं। अब यहाँ पे हम आलूओं को निकाल लेंगे। आलूओं पे एक परत आ चुकी है गोल्डन ब्राउन की, आलूओं को अलग कर लेंगे और यहाँ पे ये 20% कुक भी हो जाते हैं। अब जो तेल इसमें बचा हुआ है इसमें हम अपने 2 बड़े प्याज जो हमने स्लाइस किए थे इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसी में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला दिया है। इसको हम तब तक भुनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं निकल जाता है। अब इसमें हम अपने मटर डाल देंगे। सारे सूखे मसाले भी हमने पीसे हुए इसमें डाल दिए हैं और इन्हें भी भून लेंगे। तीखा बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा आपको खाना पसंद है और आप कितना तीखा खा सकते हैं। अपने हिसाब से नमक डाल लें आप इसमें। 1 कटोरी पानी डाला है। अब हम मटर को अपने गलाएंगे। साथ ही में आलू भी शामिल कर लें। 1 कटोरी पानी और डालें। अभी के लिए इतना पानी आपके पास काफ़ी होगा। साथ ही में मैंने अंडे भी इसमें शामिल कर लिए हैं। अब इनको हम ढक के पकाएंगे कि आलू और मटर हमारे गल जाएं। आलू मटर हमारे लग रहा गल चुके हैं, आप इन्हें चेक कर लें। सिर्फ एक आलू निकाल के छुरी से काट के देखें, अगर वो बहुत आसानी से कटा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके आलू गल चुके हैं। अब हम इसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे चावल उबालने के लिए मैंने पानी लिया है, इसमें सारे खड़े मसाले भी डाल दिए हैं। हरी मिर्च को थोड़ा तोड़ के डाला है ताकि इसके बीजों का तीखापन पानी में आ जाए।
नमक यहाँ पे हम ज़्यादा डालेंगे, हमें जितना चावलों में नमक डालना है उससे दो गुना नमक डालेंगे। अब इसे ढक के उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आ चुका है, जब ऐसा उबाल आने लगे तब हम इसमें चावल भी अपने डाल लेंगे। आपको बीच बीच में चेक करना होगा कि आपको यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 80% आपको चावल पकाना है। और इसको भी आप देख सकते हैं चेक करके, एक चावल का दाना उठाकर बीच से काटने की कोशिश करिए, अगर अंदर थोड़ा सा रह जाता है तो इसका मतलब है कि आपके चावल 80% कुक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा कुक करेंगे फिर उसे दम पे पकाएंगे तो चावल बहुत गीला हो जाएगा। चावल को छान लीजिए अच्छे से, सारा का सारा पानी निकाल दीजिए गर्म पानी। अब हम यहाँ पे इसकी लेयरिंग कर लेंगे। लेयरिंग के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला डाला है। मसाला का मतलब जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी उसके ऊपर एक लेयर चावल की। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। फिर से एक लेयर हम यहाँ पे अपने ग्रेवी की डालेंगे। और उसके ऊपर फिर एक लेयर चावलों की डालेंगे। इसी तरह आप एक लेयर और लेयर बनाकर जब तक कि आपका सारा मसाला पूरा का पूरा चावल और आपकी ग्रेवी ना आ जाए तब तक आप पूरी लेयर बना लीजिए। ऊपर से आप इसमें केवड़ा जल और रंग मिला के इस घोल को ऊपर से डाल दें चावलों के, और इसे बहुत धीमी आंच पे इसे दम करने के लिए 10 मिनट पे चढ़ा दें। जब आप इसे दम करने के लिए छोड़ देंगे और फिर खोलेंगे तो चावल पूरा हमारा जो भी हमारा 20% बच गया था वो भी गल जाएगा अच्छे से, और ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है टेस्ट में। टेस्ट में इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये एकदम चिकन बिरयानी की जैसे टेस्ट करती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपको इसी तरह आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जल्द मिल जाया करें। बिरयानी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब दिख रही है, बहुत ही गर्म है। अभी के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड विद जानूज लंच डायरी। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।